हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा, आज मैं इस कॉक्सकॉम प्लांट के बारे में बात करूंगी। तो ये देखिए मेरा प्लांट है एक, और इसमें दो तीन कलर आते हैं, जैसे कि रेड, येलो, पिंक। ये मेरा पिंक कलर का फ्लावर है, और ये इसके फ्लावर बहुत ही सुंदर होते हैं, वेलवेट की तरह, छूने में भी बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत ही प्यारे लगते हैं देखने में। तो ये देखिए इसमें कितने अच्छे फ्लावर आए हैं, और अभी ऊपर साइड भी आ रहे हैं छोटे छोटे से फ्लावर। इसकी पत्तियां भी देखने में बहुत अच्छी लगती हैं, और इसकी मिट्टी की बात करें तो इसकी मिट्टी एकदम वेल ड्रेन होनी चाहिए, जैसे कि एक भाग मिट्टी, एक भाग कंपोस्ट और एक भाग रेत, तीनों को बराबर मिलाकर इसकी मिट्टी बनाते हैं, तो प्लांट बहुत अच्छे हेल्दी रहते हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए आप जब मिट्टी बनाते समय एक बार इसमें फर्टिलाइज़र ऐड कर देते हैं तो फिर बार बार फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत भी नहीं होती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। हाँ, बहुत आप जैसे कभी कभी इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं, क्योंकि लिक्विड बनाते हैं हम मस्टर्ड के या फिर गोबर खाद से या कंपोस्ट से, जो भी जिससे भी बनाते हैं, तो बहुत अच्छे हेल्दी रहते हैं प्लांट और बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी करते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और इसकी पानी की बात करें तो इसमें पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना चाहिए, इसके पत्तों पर तो बिल्कुल भी पानी नहीं पड़ना चाहिए, नहीं इसमें फंगस का अटैक बहुत जल्दी हो जाता है और इसके पत्ते भी कर्ल हो जाते हैं। तो ये देखिए थोड़ा मेरे पत्तों में भी थोड़ा सा थोड़े थोड़े कर्ल हो रहे हैं। मैं इसमें एप्सम साल्ट का थोड़ा सा स्प्रे करूँगी, क्योंकि इसमें और फंजीसाइड का भी स्प्रे करूँगी। अभी मैंने कुछ दिनों से इनमें अभी कोई स्प्रे नहीं किया है। देखिए थोड़ा सा पत्तों पर इसमें असर दिख रहा है। और इधर एक मेरा ये किसी कीड़े ने शायद पत्तियों को खा लिया है, ये देखिए। अभी थोड़ा सा मैं ध्यान नहीं दे पा रही थी, थोड़ी मेरी तबीयत भी अभी इस टाइम ख़राब हो गई थी, तो इस वजह से मेरे प्लांट कुछ असर दिख रहा है कुछ कुछ प्लांट पर। तो इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। इसमें वाटरिंग हमको उतनी ही करनी है, इसकी मिट्टी मॉइस्ट रहे, एकदम सूखनी नहीं चाहिए गमले की, और लेकिन इसके पत्तों पर पानी ज़्यादा आप मत डालिए, या तो बिल्कुल ही मत डालिए, नहीं तो फिर फंगस लग सकता है इसमें। और फंजीसाइड का स्प्रे आपको करते रहना है हर 15 डेज के अंतर पर। तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है आपको। और कंपोस्ट के बारे में मैंने बता दिया कि इसमें क्या डालना है। बस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। और हाँ, इसकी जो नीचे की ऐसे पत्तियाँ थोड़ी येलो हो जाती हैं, ये देखिए, जिनको आपको हटाते रहना है बीच बीच में, नहीं तो फिर ये फालतू एनर्जी वेस्ट होती है इनमें, और फंगस भी लग जाता है नीचे से, तो प्लांट ख़राब जल्दी हो जाता है। इस वजह से आप जो भी नीचे की पत्तियाँ ख़राब पत्तियाँ हों उनको आप हटाते जाइए, प्लांट बहुत हेल्दी रहेंगे। बस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।